हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ब्लॉग बीच में से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं बोल चुका हूँ कि आधा काम मैं कर चुका होता हूँ ना, तब मुझे याद आता है कि मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ। और एक्चुअली होता क्या है कि लास्ट वीक ही मैंने एक ही ब्लॉग अपलोड नहीं किया, वन सेकेंड। बट क्या करें, पता है आजकल मैं जिम जल्दी जा रहा हूँ तो इतना वीडियो बनाना हो नहीं पा रहा है। ठीक है, आज थोड़ा सा बाहर आया, सैटरडे संडे ऑफिस ऑफ है, सबको पता ही है, तो मैं बाहर आया था थोड़ा काम करवाने बाइक वगैरह का। ठीक है, तो थोड़ा तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि शायद मैं आज इटावा जा सकता हूँ, थोड़ा काम है मुझे, बाइक का ही काम है जो यहाँ नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी क्या होता है पूरे दिन में, आज अगर कुछ होगा तो ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, नहीं होगा तो फिर देखते हैं। ये है नेक्स्ट डे, आज है संडे। कल पूरा दिन कहीं भी नहीं गया हूँ मैं, ठीक है, कहीं भी, मतलब इतना गंदा आलस आ गया कि पूरे दिन सोता रहा। आज राम सुबह आया, इसको एक ऐसा काम है जो है तो मुझे भी, बट थोड़ा सा डाइसी है कि करवाऊं या नहीं करवाऊं। पोस्टपोन कर रहा है? नहीं, मैं तो रहा, तेरा डाइसी है ना। अच्छा हाँ, मेरा डाइसी थोड़ा सा पता नहीं, हो सकता है देख के मन कराया, वो मैं बताऊंगा क्या काम है। ठीक है, तो सामने ही बताऊंगा कि मन मेरा भी है बट पता नहीं, देखते हैं, सामने देख के पता लगेगा, क्योंकि शॉप कैसी है वो भी, इसका भी ऐसा ही है वो वहाँ पे। हाँ, वहाँ का हाइजीन वगैरह देख के, एक्चुअली प्लान है टैटू करवाने का, ठीक है, बता ही दे रहा हूँ क्या हाइजीन वाइजीन, बता ही दिया सारा कुछ, तो वो शॉप देख के पता लगेगा कि यहाँ करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। मैनपुरी है, ठीक है, तो मैनपुरी का आइडिया नहीं है कि यहाँ जो खुला है पार्लर वो किस, जो आर्टिस्ट है वो कैसा है, सामान क्या यूज करता है, तो उस हिसाब से कंफ्यूजन दिमाग में कि करवाना चाहिए, तो मैं जा रहे हैं करने विजिट, एक दोस्त से करवाया है तो उसके थ्रू जा रहे हैं, तो देखते हैं, अगर लगता है कि हाँ ठीक ठाक हुआ तो करवा के आएंगे पक्का, फॉर श्योर, मैं तो करवा के आऊँगा फॉर श्योर। तो बाकी इसका देखते हैं। एक छोटा सा प्लान था मेरी बाइक राइड पे जाने का, बहुत शॉर्ट राइड, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लंबी नहीं, तो उसी के लिए सोच रहा था, बट अभी इसका फ़ोन आ गया कि चलो चलते हैं, तो मैंने कहा चलो अब यही कर लेते हैं, उसके बाद शाम को देखेंगे अगर कहीं जा पाए तो। ठीक है, बाइक राइड, चलो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। रामसु बनवा रहा है महामृत्युंजय मंत्र का टैटू, और टैटू इतना लंबा है ना, मेरे से देख के जैसे तैसी हो रही है, बनवाएगा कैसे? ऊपर से टैटू वाले भैया बोल रहे हैं कि करीब एक महीने इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है इससे कि इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए। थोड़ा बहुत मेरा मन था ना, वो भी ये वो भी चला गया ये सुन के। ये आइटम सही लगा मुझे तो टाइम पास में। रोल, हाँ रोल खा सकते हैं, मतलब चाप के रोल आएंगे वाले, देख ले चाप, देख ले वही नहीं चाप वाली, अभी लग रही है भूख अब, ठीक है, और यहाँ पे लगने वाले हैं 2-3 घंटे जो बताया, मुझे पता था इतना तो लगे, 2 घंटे तो मेरे हिसाब से कम ही बताए हैं। शॉप वैसे अच्छी लग रही है, थोड़ा मन मेरा भी है लेकिन इतना लंबा नहीं, मुझे मतलब जो मैंने सोचा है एक सन बैक पे, यहाँ पे मेरा मन है, वो मैं अभी पूछूंगा, पहले इसका काम ख़त्म हो जाए, पहले कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, देखते हैं। अब मंत्र के आसपास की लाइन सेट हो रही है, अब फाइनल है ये। क्या ये है? ये वाला जो ओम है ना, ये शिव जी के उस साइड से स्टार्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये शायद 5 या 6 प्रिंटआउट निकल चुके हैं इसके, अब ये निकलेगा पता नहीं कौन सा। ठीक है, मैं भैया से पूछ रहा था, मुझे लग रहा मेन रोल ना इसी का है, यही चिपकाएंगे ये लास्ट में। चलो लेकिन देखते हैं फाइनली कैसा होगा, थोड़ा थोड़ा मन मेरा भी करने लगा है
देख के इतनी मेहनत, लेकिन पहले देखूंगा प्रांशु को कैसा लगेगा। तो आधे घंटे तो प्रिंट आउट ही निकल रहे हैं आधे घंटे से। तो अब ये फाइनल हो गया, अब ये वाला बनेगा। मैंने करवाई ना अभी 2-3 महीने पहले, बहुत शौक से सामान वामान लाया तो एक, हाँ नहीं लेकिन करवा कहाँ पाई ना। भैया का तो वो मी है खाली। हाँ पहले तो भैया टिक जाए पहले देखने के बाद, नहीं भैया के टिकना बहुत जरूरी है देखने के बाद। अजय अजय गौर से देखिए इस इंसान को, यही है वो जो दूसरों से डम्बल लगवाते हैं। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इसे कोई तो स्पॉन्सर कर लो, कोई तो। हालांकि ये लड़का पापा बन चुका है, अंकल की उम्र में पहुंची है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, मेहनत तो कर रहा है लड़की, कोई तो स्पॉन्सर कर लो कोई तो। अब सुनना ब्लॉग डालना है। इसी को गलत प्रूव करना है, ठीक है। एज वगैरह मैटर करती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 30 इज नथिंग, 31, 35, 32, 40 इज नथिंग, ठीक है। अगर 40 इज, आई डोंट नो अबाउट अवर 40। ये था हमारा आज का वर्कआउट, इसमें मैंने 2-3 क्लिप्स ऐड किए हैं, एक सैटरडे की लेग्स की, फिर संडे की जो हम लोग बाहर गए, और एक मंडे की चेस्ट की, ठीक है। चेस्ट की, ट्राइसेप्स की मैंने एक्सरसाइज नहीं दिखाई है, बट चेस्ट की ऑलमोस्ट सारी दिखाई हैं, ठीक है। एक सेट एब्स का किया है वो नहीं दिखाया, अभी साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मैंने सोचा वीडियो एंड कर देता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आज भाई मैं इतने दिन से फ़ोन निकाल नहीं रहा था क्योंकि सवेरे से होता है काफ़ी ज़्यादा, 6 बजे के आसपास, ठीक है। आज बेशर्मी से मैंने निकाल ही दिया, मैंने कहा होगा तो देखा जाएगा, वीडियो शूट कर लेते हैं, ठीक है। कोशिश किया करूँगा डेली बेशर्म बनूँ ऐसे ही। चलो भाई आज की वीडियो दरी तक, और देखते हैं इस वीक में कितनी वीडियो आ सकती हैं, लाने की कोशिश करूँगा एक और आ जाए। थैंक यू सो मच, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी तो मैं बोल भी नहीं सकता, वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, मेहनत करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।